अभी दोस्तों जिनको मेरे साथ में देख रहे हैं ना, यह है मेरे बड़े भाई और जिनका नाम है अलकेश कुकरेती जी। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 8 साल बाद, मैं सही बोल रहा हूँ, 8 साल बाद मंडान हो रहा है। 2014 में हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे गांव में मंडान हुआ इस साल। और ये जो भाई जी हैं, अलकेश भाई जी हैं, ये इनका बहुत अच्छा योगदान है इस मंडान में। उन्होंने और बहुत कार्यकर्ता हैं, भाई हैं मेरे, और इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा, बहुत अच्छा काम उन्होंने कार्य किया और गांव की सराहना है, मतलब हम सबको सराहना है, प्राउड है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर मैं अपने बड़े भाई जी से कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो मंडान हो रहा है हमारे यहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में बताओ हमारे, ताकि हम सबके जो देवभूमि उत्तराखंड उनको पता चले, और जो अभी कैर हो रही है यानी कि अभी दिशा बंधन हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। मंडान हम लोग, हमारा जो ग्राम माकथा है, ये हम लोग ग्राम माकथा यमकेश्वर ब्लॉक, ग्राम माकथा यमकेश्वर ब्लॉक उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत हमारा गाँव आता है, ब्लॉक है हमारे यमकेश्वर, और जो न्याय पंचायत माकथा है हमारे गाँव के नाम से। तो हम लोग हर साल, वैसे तो कोशिश करते हैं कि 3 साल 5 साल 8 साल में हम लोग ये पूजा करते हैं। हाँ। ये एक सामूहिक पूजा होता है, देवी पूजन होता है। हमारे गांव की जो देवी है वो माँ खांडेश्वरी देवी है। हाँ। खांडेश्वरी देवी की हम लोग सभी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वैष्णव पद्धति से हम लोग इसको पूजा करते हैं। इसमें जितने हमारे गांव के लोग हैं, जितने भी हमारे परिवार हैं, जो अभी इस टाइम गांव में निवास कर रहे हैं, बाहर निवास कर रहे हैं, गांव में आते हैं और पूजा में सम्मिलित होते हैं। यह पूजा किसी एक की नहीं है, अगर मैं यहाँ पे पूरे गाँव की, पूरी गाँव की, गाँव का इतिहास ऐसा कि हमारे गाँव में नथीराम दादाजी हमारे आए थे सबसे पहले, हम सब जितनी मुझे जानकारी है। हाँ। तो नथीराम दादाजी और एक हमारे एक और दादाजी, उन्हीं के वंशज हम लोग चले आ रहे हैं। तो जितना हमारा गांव है वो सारा एक है, एक ही परिवार है। तो इसी वजह से सामूहिक पूजा की जाती है। सामूहिक पूजा में हमारा 3 दिन का हमारा देवी पाठ होता है और दूसरे दिन हम लोग जो चलते हैं दिशा बंधन के लिए चलते हैं। दिशा बंधन जा रहे हैं, दिशा बंधन के जैसे हम लोग जाते हैं, दिशा बंधन इसलिए की जाती है जैसे कि हम लोग गाँव है, गाँव की जो सीमा है, तो माता रानी से हम एक आराधना करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आज की भाषा में कि हे माँ, जितना मेरा गांव है, इस गांव के जितने वासी हैं, सब सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहें, इसकी एक केयर बांध लें, ताकि इसमें कोई भी अलाएं, बलाएं, जादू, भूत प्रेत, मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी है, बीमारी, महामारी, ये ना आए। माँ से प्रार्थना की जाती है कि ये मेरे गाँव की सीमा है, इस गाँव के अंदर अगर परेशानी है वो ना आए। इस वजह से दिशा बंधन किया जाता है। अच्छा, इसको गढ़वाली भाषा में केयर भी बोलते हैं, केयर भी बोलते हैं, दिशा बंधन भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, बोला जाता है। लगभग 4 घंटे का भी रन होगा ये, मैं बोलूंगा दिखाऊंगा। अच्छा, ये पूरे गांव का, अच्छा, 4 घंटे का रन होगा, 4 घंटे का रन होगा ये पूरे गांव में, मतलब जितना बड़ा गांव है ना, ये पूरे गांव में केयर बांधी जाएगी, दिशा बंधन बांधा जाएगा पूरा चल के ये। अच्छा अच्छा, केयर बांधी जाती है। अच्छा, और सभी लोग हम लोग एकजुट होके, जैसे आप दिल्ली से आए हैं, मैं ऋषिकेश रहता हूँ, कोई बॉम्बे से आया है, कोई दिल्ली से आया, कोई रतलाम से आया, सही बात, सारे भाई। और सबसे बड़ी बात है बड़े भाई जी की, इस बार जो पूजा हो रही है सबसे ज्यादा रौनक है, मतलब सबसे ज्यादा भीड़ है इस बार। इस बार हम लोगों ने क्या किया कि जो पहले जब हर चीज कोई ना ट्रांसफर होती जनरेशन से, इससे पहले हमारे पिताजी और आपके पिताजी और ये पूजा को करते थे, सही बात, अब हम नई पीढ़ी आई तो ट्रांसफर होता है काम। हाँ। जब हम बड़े होंगे तो फिर हमारे बच्चे पूजा करेंगे। सही बात है। तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपने देखा होगा। सही बात। तो जब हमने पूजा का निर्णय ये लिया मार्च में, तो मैंने सबसे पहले मीटिंग में बोला कि जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, भाई बंदे कोई बाहर है, हम पहले उनसे संपर्क करेंगे, संपर्क करेंगे। वो मेरे गांव का है, वो बाहर जाके अपना नौकरी कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने परिवार को पालना है, पर उसका मूल जड़ यही स्थान है। इससे हम अमेरिका बच जाए, इंग्लैंड बच जाए, दिल्ली बच जाए, इससे हम अपने आप को तोड़ नहीं सकते। तो हमने सबसे पहले जो हमारा रॉयल सो मार्क था, एक गांव का नाम हमने ग्रुप बनाया, सबसे संपर्क लिया, नंबर लिया, सबको मैसेज किया और सबसे यही रिक्वेस्ट करी कि आपने पूजा में सम्मिलित होना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम पूजा करें, इस परिवार में पूजा भंडारा कोई एक व्यक्ति नहीं कराता, सामूहिक होता है, हर परिवार का अंश और काफी अच्छा योगदान रहा है इस बार सबका। इस बार सबका सबका बहुत अच्छा योगदान, ज़्यादा। हमने किसी को बोला कि भाई 2,000 रुपए आपने देने, उसने अपनी मर्जी से 5 दिए 11 दिए 21 दिए, उसकी मर्जी से, सबसे बड़ी बात। फिर हमने एक चीज और बोली, ना खाने की और रहने की व्यवस्था हम करेंगे। अब इतना बड़ा इवेंट होता है, कुछ कमियां हो भी जाती हैं, गढ़वाल है, सब इसी के से लाना है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और अभी मंडान का आपने सूट भी किया होगा, देवी माता जी प्रकट हुई, खांडेश्वरी माता, पंच पांडव यहाँ पे नाचते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी, भोलेनाथ जी, अर्जुन सभी नाचते हैं और सभी आशीर्वाद देते हैं। और मैं भाई ब्लॉग बनाता रहता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर माता रानी, अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती होगी हो, माता रानी आपकी स्तुति में हमसे कुछ कमी रहेगी हो, हमने जितना एफर्ट्स किया, तो अपना बेटा समझ के
हम आपसे माफी भी मांगते हैं, हो चुकी है त्रुटि, हो सकती है क्योंकि मानव है, त्रुटि कर सकता है, तो माता रानी से हम मांगते हैं कि अगर हो गई हो तो माता रानी हमें माफ करें और अगली बार हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम इससे भी अच्छा कार्य करें, कार्य कर सके। और मेन बात मैं और चीज और बोलना चाह रहा हूँ, भाई बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है और कई मिलियन लोग इसके नीलकंठ ज्योतिष के देखते रहते हैं। एक मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, पूरा उत्तराखंड हो, जितने भी मेरे यंगस्टर भाई हैं, दिल्ली मुंबई बहुत जगह रहते हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी जड़ को मत छोड़ें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं 1990 में मुजफ्फरनगर गया, वहाँ से मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी। 2004 में मैं ऋषि के साथ, 2008 से मैं लगातार अपने गांव की तरफ बढ़ गया। लोग बोलते हैं कि मैं मुंबई में जाकर पैसा कमा सकता हूँ, सब कमा सकते हैं। सही बात है, आजकल साधन इतने अच्छे हो गए कि आप अपनी जड़ को पकड़ के रख सकते हैं। सही बात है, आप गाड़ी उठाएं अपने गांव पहुंच सकते हैं। और लोग बोलते हैं मेरा गांव में रहने के लिए कोई साधन नहीं है, थोड़ा ज्यादा कैमरा पकड़ो। तो मैं भाई से एक चीज और बोल रहा हूँ, भाई ने भी अपना दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता है, और एक चीज मैं और बोल रहा हूँ भाई ब्लॉग के माध्यम से, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं और जो भी देखेंगे, कि जब आप लगातार अपने किसी गांव में आप आते रहोगे ना भाई, आते रहोगे तो आप यहाँ खुद डेवलप कर लोगे। सही बात है, जैसे मैंने यहाँ गांव में मकान बनाया, तो जब मैं आता रहता था मुझे लगता था कि मकान की जरूरत है, मैंने मकान बना दिया, मैंने छोड़ दिया, फिर मैं 2-4 बार आया, मुझे लगा यहाँ एक बेड चाहिए, मुझे लगा यहाँ सिलेंडर चाहिए, तो मैं धीरे धीरे करके वो चीजें मतलब डेवलप होती चली, 1-2 साल में मुझे जरूरत के अनुसार होगी, 3-4 साल में मैंने पूरा घर रोड के, मुझे खुद नहीं पता लगा कमी क्या है। हम लोग दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के बोलते हैं पलायन, उत्तराखंड ये नहीं, उत्तराखंड में सब कुछ है, आज भी सब कुछ है, कमी है। हम जैसे भाइयों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आना पड़ेगा। सही बात है। हम इसलिए ना अपने गढ़वाल में नहीं आते, मेरा मानना है, मेरा निजी व्यू है, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये वायरल होगा, मेरा अपना निजी व्यू है। सही बात है कि इंसान अगर अपना कम्फर्ट जोन छोड़ेगा ना तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर मैं दिल्ली में उठूंगा, मैं भी ऋषिकेश में रहता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, बटन दबाया, पानी आ गया, ये आ गया, अब आप सुबह जाना है नहाने के लिए, मुझे अपने धार में जाना है। सही बात है, जाना है नहीं, वैसे हम तो मुझे अपना ना कम्फर्ट जोन छोड़ूंगा। अल्केश भाई जी का नाम सुनते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य किया है उन्होंने अपने ग्राम के लिए, अपने गाँव के लिए, और शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं हमारे मतलब माता पिता से कि बहुत अच्छा काम इन्होंने अपने गाँव के लिए किया है, एक प्यार रहा है, एक प्रेम रहा है, और कहीं ना कहीं जो मंडाण हुआ है तो इनमें भी इनका बहुत अच्छा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। योगदान तो मैं बोलता हूँ आप जैसे भाइयों का, हमारा भी और बता रहा हूँ, हमारे गांव का एक परिवार ऐसा था, बरेली में था। हाँ जी जी, आपके पापा से मेरी बात हुई, आपके ताऊ जी से बात हुई, गांव के, और वो भाई परिवार मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना था, मैंने सुना ही नहीं था, मुझे नंबर, मैंने कहा यार उस परिवार से संपर्क करना है, इतनी पूजा हुई, वो परिवार कभी संभली थी नहीं, हुआ वो बरेली रहते हैं, रामपुर रहते हैं, कोई और भी रहते हैं, मैंने कहा नंबर लें, हमारा छोटा भाई है नीरज, उसने उनको कॉल किया, वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और सह परिवार पूजा में आए, सह परिवार, मैं भी मिलाऊंगा आपको, पूरी फैमिली लेके, गाड़ी लेके, बरेली से, रामपुर से, पूरे, जब वो जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर हुए, मेरा दिल, मुझे इतनी खुशी हुई, और उन्होंने इतना आभार व्यक्त किया कि यार भाई आपने बुलाया, मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बुलाने वाला आपको, आपकी जन्मभूमि मैंने याद दिलाया आपको। सही बात है, अपनी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आप यहाँ आइए। और अभी आप एक चीज और, जो हमारा भंडारा चल रहा है 3 दिन का लगातार, देवी दिन में रात में चल रहा है, और कुछ मेरा और भी है कि जो गांव में हमारा धारा है उसको भी आप दिखाओ कि कैसे लोग पानी लेके आते हैं। ठीक है ना, क्या हमारी पूरा गांव दिखाएंगे हम ब्लॉग में, बस ये कि आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमारे गांव की, थोड़ा शेयर कीजिएगा भाई सबको, ताकि पता चले। मैं तो आपके लगातार आपके ब्लॉग देखता रहता हूँ, और मुझे तो गढ़वाल की संस्कृति से बहुत प्यार है, मैं तो पूरा गढ़वाल ही घूमता, मेरा कार्य क्षेत्रीय गढ़वाल है, टिहरी हो, अपना पौड़ी हो, कुमाऊं हो, पिथौरागढ़ हो, मैं जाता रहता हूँ, और जितने मेरे दोस्त हैं बड़े बड़े, मतलब मेरे संपर्क राजनीतिक के लोगों से भी हैं, बॉलीवुड से भी हैं, बिजनेसमैन से भी हैं, सभी संपर्क अपने काम के माध्यम से मैं लेके आता रहता हूँ। 2-3 बार अभी कोई 1-2 एक्टर आए थे मुंबई से, मैं उनको लेके आया, सोनू निगम आए थे, सोनू निगम जी तो अच्छा आते रहते हैं हमारे पास, ऋषिकेश, जुबिन नौटियाल भाई हमारा अच्छा मित्र है, वो भी आता रहता है, वो तो गढ़वाल के प्रति, जुबिन नौटियाल जी तो भी जौनसार में अपने क्षेत्र को उठाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम, मतलब मैं उनके साथ अभी उड़ीसा में था, भुवनेश्वर में था मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में, मैंने उस बंदे के अंदर जो डेडिकेशन देखा है ना अपनी जन्मभूमि के लिए, सही बात है, बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। पूरी यात्रा, एक यात्रा होती महासी देव, महासु देवता की, शायद मुझे नाम याद है, पर उन्हें पूरी कवर करी उन्होंने 7-8 दिन लेके, तो मुझे उस व्यक्ति से देख के मुझे लगा यार ये इतना बड़ा आदमी है,
बहुत इन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ रहे हैं। सही बात। भाई से जब मेरी बात होती है, जब मैं मिलता हूँ ना, भाई एक ही बात बोलता है कि अपनी जो जन्म भूमि है, अपनी कर्म भूमि है, ओरिजिन हमारा यही है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं के मूल क्या है, जैसे हम अपने माँ बाप नहीं बदल सकते ना। सही बात है। चाहे हमारी मातृभूमि है, बदल ही नहीं सकते। सही बात है। और मौसम आप देख ही रहे हैं, नहीं बारिश हो रही है इस टाइम, हम बारिश में सूट कर रहे हैं, दिखा दो बस मैं जरा कितनी बारिश हो रही है। और सामने दिशा बंधन के भी दिखा दो, दिशा बंधन जो हो रहा है उधर। तो अल्केश भाई जी, जैसे हमारा जो चैनल है, मतलब एक मेरा चैनल है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, जिसका मैंने नाम रखा है नीलकंठ ज्योतिष। बहुत सुंदर, नीलकंठ महादेव के नाम से, बहुत सुंदर। और उसमें अभी हो चुके हैं 1.3 मिलियन, 13 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत सुंदर। जिसमें कि काफ़ी सारे उत्तराखंड के लोग भी जानते हैं हमें, जब मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ या वीडियोज़ में जो व्यूज़ हैं, 17 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं मेरे उसमें। तो काफ़ी सारे मिला भी था, मैं देख रहा था यूट्यूब गोल्डन आपके पास आया, गोल्डन प्ले बटन आपको फॉलो करता रहता हूँ। तो बस यही कि काफ़ी सारे उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए हैं और इसको हम जानेंगे, इसको हम डालेंगे अपने ब्लॉगिंग चैनल में। तो बस यही है कि इसको शेयर कीजिएगा ताकि पता चले, और लोग जो प्लान के बारे में बात करते हैं तो बताया भैया ने काफ़ी अच्छा बताया प्लान के लिए। मैं एक बात और बोलूँगा भाई, जितने भी लोग हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी जो सूट कर रहे हैं हमारे भाई, वो भी हैं, और जितने आपके मित्र हैं, क्या होता है कि हम गाँव में रह रहे हैं तो हमारा सर्कल छोटा है। सही बात। आप दिल्ली में चले गए, बड़ा हो गया, कैपिटल में आ गया, बॉम्बे चले और बड़ा हो गया। तो उत्तराखंड के लोग आपको मुझे हर जगह मिलते हैं, हर जगह। मेन बात है उन बंदों को जगाने की, आपने मातृभूमि में जाना है। आप उसको पहले ही, मैं बोलता हूँ कि ये मत बोलो कि ये डेवलपमेंट करना, करना ही नहीं है। आप जाओ पिकनिक टूर मना के आओ। सही बात है। पिकनिक टूर मना, आप फैमिली के लेकर जाओ, घूम के आओ। आजकल ना खाने की दिक्कत है, ना पीने की दिक्कत, हर चीज मिलता है, हर चीज मिलता है आपको। अगर किसी को पानी की दिक्कत है, आजकल बिस्लेरी के 15-15 लीटर या और एक्वाफेरा के, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेके आता, खाता है, पीता है। जब आदमी अपने यहाँ जाता ना भाई, आप जाओगे, जैसे आप भी अभी गाँव में आए, आप 2 दिन रुकेंगे तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा यार अगली बार आऊंगा भाई, मैं ये लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा। सही बात है, ये लेके आऊंगा। अल्केश भाई जी अभी कहना, अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी घर बनाने वाले हैं, अभी हमारे दिल्ली में चल रहा है काम घर का, अभी कुछ टाइम बाद हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो फिर हमारा ये है कि हम हर 4-5 महीने में, हर एक साल में आते रहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल आते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि घर मतलब बनने वाला है, बस 1-2 साल में हमारा बन जाएगा यहाँ पे। अभी मतलब बस हम बस प्लानिंग कर ही रहे हैं बहुत जल्दी, तो बस यहाँ पे फिर आते रहेंगे यहाँ पर हम। और हमारे गाँव पे तो माता रानी की कृपा है, सारे विकसित गाँव मानता हूँ मैं, यमकेश्वर ब्लॉक का सबसे विकसित गाँव है हमारा।